माई की कुंभ राशि के जातकों, वर्ष 2021 की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। हम लाए हैं आपके लिए वर्ष 2021 का राशिफल। इस राशिफल में हम आपके जीवन के मुख्य पहलुओं से जुड़ी छोटी बड़ी अनेक भविष्यवाणियां लेकर आए हैं। इन भविष्यवाणियों की मदद से आप जान पाएंगे कि इस साल आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका करियर कैसा रहेगा। साथ ही आप जान पाएंगे कि यह साल आपके आर्थिक मामलों व निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा। इतना ही नहीं, आपके लिए हम सरल से उपाय भी बता रहे हैं जिन्हें आप कठिनाइयों व परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने में इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित है। आपकी दशाओं के अनुसार परिणामों में कुछ अंतर हो सकता है। दशाओं आदि के बारे में कुंडली दिखानी हो तो आप एक बहुत छोटी सी फीस जमा करके हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले चर्चा आपके स्वास्थ्य की। कुंभ राशि वालों, आपका राशि स्वामी शनि आपके द्वादश भाव में रहेगा, अतः स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतने की सलाह हम आपको देना चाहिए। खासकर साल की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल तक और 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक जब बृहस्पति भी आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तब विशेष तौर पर अपने खान पान और आचार व्यवहार पर संयम बरतने की जरूरत आपको रहेगी। इस अवधि में पेट और मुख से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं। यदि पहले से हृदय से संबंधित कोई परेशानी है तो उस पर भी चिकित्सकों की सलाह के अनुसार आचार व्यवहार का ध्यान देना जरूरी रहेगा। जबकि चतुर्थ भाव में राहु का गोचर सीने या फेफड़े से संबंधित परेशानियां दे सकता है। ऐसे में यदि इस तरह की स्वास्थ्य से संबंधित कोई शिकायत आपको पहले से है तो उसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच जब बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा तब तुलनात्मक रूप से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। और यदि आपने संयमित दिनचर्या अपनाई तो यह वह अवधि है जब आपको रोगों से छुटकारा भी मिल सकता है। अर्थात यदि आपने इस साल पूरी निष्ठा के साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया तो आप परेशानी से बच पाएंगे। आइए जानते हैं कि साल 2021 कुंभ राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। शिक्षा के लिए सामान्य तौर पर इस साल आपको अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। साल की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल के बीच तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच जब बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा तब बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। ऐसे में यह शिक्षा में आ रहे व्यवधानों को दूर करने का प्रयत्न करेगा। इसके अलावा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में आप अच्छा कर पाएंगे। अपने घर से दूर रह रहे विद्यार्थियों को भी अच्छा लाभ मिलना चाहिए। खास तौर पर विदेश में शिक्षा ले रहे लोगों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच तथा 21 नवंबर के बाद जब बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव पर होगा वह अवधि सामान्य तौर पर शिक्षा संबंधी मामलों में आपको अच्छी अनुकूलता दे सकती है। अर्थात साल 2021 से हम शिक्षा संबंधी मामलों में कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं। आइए अब जानते हैं कि साल 2021 आपके कार्य क्षेत्र संबंधी मामलों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में यह साल आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। खासकर जो लोग विदेश में रहकर या अपने जन्म स्थान से दूर रहकर काम कर रहे हैं उन्हें काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि नौकरी पेशा लोगों को कामों को लेकर थोड़ा सा वर्कलोड अधिक रह सकता है, लेकिन साल की शुरुआत से 6 अप्रैल तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव में होने के कारण वर्कलोड को बेहतर ढंग से आप उसके अंजाम तक पहुंचा पाएंगे और विजेता होने की अनुभूति कर पाएंगे। वहीं 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच तथा 21 नवंबर के बाद जब बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर गोचर करेंगे तब सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के कारण वह आपके व्यापार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यानी अगर आप व्यापारी व्यवसायी हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि साल 2021 कुंभ राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए कुछ कठिनाइयां लिए हुए रह सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी समर्पण से काम करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। आपके कार्य क्षेत्र ही नहीं अपितु जीवन से जुड़े सभी मुख्य बिंदुओं के लिए हम अलग अलग वीडियोज लाने का प्रयत्न करेंगे जिसमें हम विस्तार से उस बिंदु की चर्चा करेंगे। ऐसे में यदि आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें जिससे कि जब भी वह वीडियो आए आपको उसकी सूचना तुरंत मिले। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2021 आपके आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, साल 2021 आर्थिक मामलों में कुछ कठिनाई भरा रह सकता है। दरअसल आपके व्यय भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में ही रहेगा, फलस्वरूप खर्चों में अधिकता रह सकती है। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रभाव के चलते जमा पूंजी भी खर्च होने लग जाए। ऐसे में सुझाव यही है कि
यदि आपको जमा धन खर्च करना ही पड़े तो उसे किसी निवेश के रूप में खर्च करने का प्रयत्न करें। यदि आपने कहीं निवेश करने में रुचि नहीं दिखाई तो अन्य रूपों में खर्चे हो सकते हैं। यह स्थितियां साल की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच अधिक रह सकती हैं। वहीं 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच तथा 21 नवंबर के बाद जब बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा तब वह आपके आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ भाव और धन भाव दो आर्थिक भावों का स्वामी होकर प्रथम भाव में गोचर करेगा। ऐसे में वह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देने का प्रयत्न करेगा, अर्थात मितव्ययिता का प्रयास करने पर आर्थिक पक्ष से संतोषप्रद परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद आप रख सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि साल 2021 आपके निजी जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कुंभ राशि वालों, आपके चतुर्थ भाव में हो रहे राहु के गोचर के कारण कुछ घरेलू तनाव रह सकते हैं, लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि के प्रभाव के कारण सकारात्मक परिणाम भी मिलने चाहिए और समस्याओं का निदान भी शीघ्र हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव में रहेगी, यथा पारिवारिक संबंध बिगड़ने ना पाएं इस बात का प्रयत्न करते रहना होगा। खासकर साल की शुरुआत से लेकर 6 अप्रैल के बीच तथा 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच जब बृहस्पति नीच का रहेगा तब आपको अपने बर्ताव में बड़ी ही शालीनता के भाव लाने चाहिए, जिससे परिजनों के साथ संबंध अच्छे बने रहें। इसके अलावा साल का जो बाकी का समय है उस समय बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर गोचर करेंगे, जो आपके प्रेम संबंधों में नवीन स्फूर्ति देने का काम कर सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन भी इस अवधि अर्थात 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर और 21 नवंबर के बाद काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। परिजनों के साथ संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। संतान संबंधी मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी, अर्थात साल 2021 सामान्य तौर पर निजी संबंधों और पारिवारिक संबंधों के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपकी थोड़ी सी समझदारी संबंधों में खूबसूरती भर सकती है। हम आपके जीवन से जुड़े मुख्य पहलुओं को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए अलग अलग वीडियोज बनाने की सोच रहे हैं। उम्मीद है वह वीडियोज आपको जल्द ही मिलेंगे। ऐसे में अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे वो वीडियोस जब भी अपलोड हों उनकी सूचना तुरंत आपको मिल सके। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2021 में किसी तरीके की अगर परेशानी होती है तो कौन से उपाय करने से आपको बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। उपाय के रूप में नियमित रूप से कम 3 माला ओम नमः शिवाय इसका जप करें, शरीर में चांदी धारण करें, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, बड़े बुजुर्गों गुरुजनों और साधु संतों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। तो उम्मीद है आपको इस राशिफल के माध्यम से अपने साल को प्लान करने में मदद मिलेगी और आप बेहतर कर पाएंगे। आप सभी को साल 2021 की अग्रिम शुभकामनाएं, भगवती सबका कल्याण करें। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।